हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लाउज कोर्स के 6 वीडियो में। लास्ट वीडियो जो हमारा स्लीव्स का था, उसमें बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था। कई लोगों को समझ में नहीं आया था कि बाइसेप का मेजरमेंट कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको जो इमेज दिख रही है, इसमें जो राउंड मेजरमेंट लिया जा रहा है, उसी को बाइसेप बोलते हैं, आर्म राउंड भी बोलते हैं। ये जो है तकरीबन हमारी हाफ स्लीव्स जो होती है, वहीं पे बाइसेप का मेजरमेंट आता है। तो इसी तरह से आपको इमेज में जैसे दिखाया गया है, उसी तरह से मेजर टेप के अंदर उंगली एक होनी चाहिए आपकी। फिर मेजर टेप ना लूज ना टाइट, एकदम कंफर्ट मेजरमेंट आपको लेना है। तो बाइसेप की लेंथ कैसे निकालना है, अब शोल्डर का जहाँ पे एंड होता है, जहाँ से स्लीव शुरू होती है, ठीक है, इमेज में जैसे दिखाया गया है, उधर आपको मेजर टेप रखना है। फिर जो बाइसेप राउंड का हमने जहाँ पे मेजरमेंट लिया है, वहाँ तक की लंबाई आपको नाप लेना है। तो वो हो गई बाइसेप लेंथ। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लाउज का फ्रंट डार्ट। ब्लाउज का फ्रंट डार्ट वो ब्लाउज का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। ब्लाउज का डार्ट अगर प्रॉपर होगा तो ब्लाउज की फिटिंग प्रॉपर होगी। अगर अगर ब्लाउज का डार्ट आपका छोटा या बड़ा होगा साइज के अकॉर्डिंग, तो फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉपर फिटिंग के लिए ब्लाउज़ का डार्ट प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कभी कटोरी ब्लाउज़ में, अगर साइज़ के हिसाब से हमारा डार्ट छोटा हो जाता है तो कटोरी चपटी हो जाती है, और अगर कभी साइज़ के हिसाब से डार्ट बड़ा हो जाता है तो कटोरी में पॉइंट निकलता है, तो जिसकी वजह से ब्लाउज़ का लुक ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, ब्लाउज़ कोई भी हो, चाहे प्रिंसेस कट हो, चाहे फोर डार्ट हो, चाहे सिंगल डार्ट हो, डार्ट का प्रॉपर नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ब्लाउज में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? सबसे बड़ा इश्यू उसका एक मेजरमेंट है, एक फिगर है, जिसमें फुल बस्ट और अपर चेस्ट में 3 इंच, 4 इंच या 5 इंच का डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेजरमेंट होता है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसको समझने के लिए, ये साइज़ पे कटिंग करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि आपको डार्ट का प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। और डार्ट का जो प्रॉपर नॉलेज होने के लिए, डार्ट को समझने के लिए, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक ब्लाउज़ में टोटल कितने डार्ट होते हैं। सपोज़ कि एक ब्लाउज़ में ज़्यादा डार्ट होते हैं, आपको सिंगल डार्ट ब्लाउज़ बनाना है, तो इधर आप जो बाकी के जो डार्ट हैं उसको हाइड कर सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं, उसका रोल रहेगा, ठीक है, मगर वो फैब्रिक पे डार्ट होगा नहीं। तो आज के वीडियो में ये भी आपको समझना है। तो डार्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक ब्लाउज़ में टोटल कितना डार्ट होता है, ठीक है। ये नॉलेज अगर आपको होगा तो डार्ट वैसे बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से हमको पता चल जाता है कि कौन सी साइज़ में कितना डार्ट होना चाहिए। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डमी पे एक स्क्वायर बनाया, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। इस स्क्वायर के माध्यम से, इस स्क्वायर के जरिए हम समझेंगे कि डार्ट कैसे क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, ठीक है, और एक ब्लाउज़ में टोटल कितना डार्ट होता है, ठीक है। तो वीडियो ध्यान से देखना। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। डार्ट को हम समझ रहे हैं यहाँ पे टोटल कितना डार्ट होता है। तो ये जो स्क्वायर मैंने बनाया हो, 6 बाई 6 का एक स्क्वायर बनाया हो, ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटर पार्ट है वो ब्रेस्ट का एरिया है, ठीक है, और ये जो 4 लाइन है हमारी, ये एकदम प्लेन एरिया है। तो ये जो प्लेन एरिया है, इसका जो मेजरमेंट है हमारा 6 बाई 6 का, ठीक है, चारों तरफ 6 इंच की हमारी लाइन है। मैं आपको नाप के दिखा दूँ, ठीक है। तो अभी ये जो 4 लाइन है, 6 इंच की हमारी, अब ये जो लाइन है, ये 2 लाइन यहाँ पे बस्ट का उभार है फ्रेंड्स, तो इसकी वजह से ये 2 मेजरमेंट हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया। तो इधर हमको सबसे पहले क्या समझना है, अगर 6 बाई 6 का स्क्वायर अगर फैब्रिक कटिंग करते हैं हम, ठीक है, तो ये तो कवर हो जाएगा हमारा मेजरमेंट,
मगर ये दो मेजरमेंट कवर नहीं होगा, 1 इंच इसमें कम पड़ेगा क्योंकि ये जो मेजरमेंट है हमारा 7 है। तो फ्रेंड्स, नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक को खींच के बढ़ाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसको कम किया जा सकता है। कहीं से भी डार्ट मार के, स्टिच करके उसको कम किया जा सकता है, मगर इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। हमारे ज़्यादातर ब्लाउज नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक पे ही बनते हैं, ठीक है। तो हमको इसके लिए क्या करना होता है, क्योंकि फैब्रिक को बढ़ा नहीं सकते हम, 6 इंच को 7 नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम 7 इंच का स्क्वायर कटिंग करेंगे। तो 7 इंच का फैब्रिक स्क्वायर में हम कटिंग करेंगे 7x7 का। तो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट हमारा क्लियर हो जाएगा, मगर ये जो 4 साइड है उधर 1-1 इंच बढ़ जाएगा, राइट। तो ये जो 1 इंच हमारा मेजरमेंट बढ़ेगा, उसको कम करने के लिए जितना मेजरमेंट हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है उतना इधर हम डार्ट लगाएंगे। तो इधर हम 1 इंच का डार्ट लगाएंगे, तो ये मेजरमेंट हमारा हो जाएगा 6 इंच। तो इसीलिए हमको चारों तरफ इसके 4 डार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, जब जाके ये मेजरमेंट हमारा ओके होगा, क्लियर होगा। तो इससे ये पता चलता है कि फ्रंट की एक साइड में टोटल 4 डार्ट होते हैं। कितने डार्ट होते हैं? 4 डार्ट होते हैं, राइट। तो 2 साइड के हुए 8 हुए, राइट। 2 डार्ट हमारा बैक में लगता है, तो टोटल हो गया 10 डार्ट हो गए। एक ब्लाउज में टोटल 10 डार्ट होते हैं। बैक डार्ट का कोई इतना इश्यू नहीं है, यहाँ पे हमको फ्रंट डार्ट समझना होता है। अभी इधर सवाल ये होता है कि अगर हम सिंगल टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, सिंगल डार्ट का ब्लाउज बना रहे हैं, तो ये 3 डार्ट को क्या करेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड्स, ये 3 डार्ट को हम हाइड करेंगे, ये 3 डार्ट को इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये इधर से गायब होके इधर आ जाएंगे। ये टेक्निक को आपको समझना है। मगर जब ये डार्ट इधर शिफ्ट हो गए, तो ये डार्ट जो हमारा 1 इंच का था वो 4 इंच का हो जाएगा, 1 से हो जाएगा 4 इंचेस का, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि डार्ट कभी भी अगर हम शिफ्ट करते इधर, तो ये जो डार्ट का मेजरमेंट होता है वो भी इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इससे डार्ट हमारा नीचे वाला बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चारों डार्ट का अगर परफेक्ट पफ एंगल अगर हमको बना रहे, परफेक्ट जैसा बस्ट का उबार है, सेम वैसे ही उबार अगर हमको कपड़े पे, फैब्रिक पे बनाना है, तो ये 4 डार्ट का होना ज़रूरी है। आप इसमें ये 3 डार्ट को इधर शिफ्ट करके सिंगल डार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही टेक्निक को हमको समझना है। तो फ्रेंड्स, अभी इसको मैं पेपर पे ड्राफ्टिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले हम ये 2 डार्ट लेंगे, वैसे ये एग्जांपल के लिए है। इसकी साइज़ में, ये डमी की साइज़ में टोटल 1 इंच का डिफरेंस है, ठीक है। तो इधर हमारा डार्ट 1/2 इंच का ही आने वाला है। अगर ब्लाउज का हम ड्राफ्टिंग करते हैं इस साइज़ पे, तो 1 इंच का डिफरेंस है, तो ये हमारा डार्ट 1/2 इंच का आने वाला है। अगर ये डार्ट अगर हम इधर से बंद करते हैं, तो इधर हमारा 1/2 इंच बढ़ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये 2 डार्ट को हम समझेंगे, ठीक है। ये वेस्ट डार्ट है और ये अपर चेस्ट का डार्ट है, ठीक है। इस डार्ट को अगर हम इधर निकालते हैं, तो ये आर्मोल डार्ट हो जाता है। इस डार्ट को अगर हम स्ट्रेट निकालते हैं, तो ये मीट शोल्डर डार्ट हो जाता है। तो इस डार्ट को कहीं भी निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि एक ब्लाउज में वन साइड में, फ्रंट की वन साइड में टोटल कितना डार्ट होता है, ठीक है। तो 1 साइड में 4 डार्ट होता है। उसको इधर भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसको हाइड भी कर सकते हैं, हम गायब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको मैं ड्राफ्टिंग करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये 2 डार्ट को हम समझेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे डमी पे जैसे मैंने बताया था, उसी तरह से 7x7 का एक स्क्वायर कटिंग किया हो, चारों साइड में 1-1 इंच का डार्ट निकाल दिया हो मैंने, ठीक है, मार्किंग कर लिया हो। अभी इधर एक चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि बस्ट का जो उबार होता है, जो शेप होता है, ठीक है, सेम वैसा ही शेप पफ एंगल अगर हमको फैब्रिक पे बनाना है, तो 4 डार्ट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये 4 डार्ट होगा आपका, तो ये जो आपका जो शेप आएगा परफेक्ट आएगा। अभी हमको 4 डार्ट नहीं चाहिए, सिंगल डार्ट चाहिए। तो ये सिंगल डार्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो हम नीचे एक डार्ट को कट कर लेंगे, ठीक है, और ये जो 3 डार्ट है इसको हम बंद कर देंगे।
अभी फ्रेंड्स ये तीन डॉट को हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी ये तीन डॉट हमारे किधर शिफ्ट हो गए, इधर। तो ये डॉट हमारा 1 इंच का था, 1 इंच का था, वो अब हो गए 4 इंच का, 4 इंचेस का हो गया, ठीक है। तो डॉट को शिफ्ट करने से क्या होता है कि इसका जो मेजरमेंट होता है वो इधर आ जाता है। तो जो शेप आपका 4 डॉट में बन रहा था, सेम शेप आपका सिंगल डॉट में बनेगा, क्योंकि ये डॉट का रोल ख़त्म नहीं हुआ है। तो फैब्रिक अभी हम इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा डॉट नहीं लगेगा, सिर्फ इधर ही एक सिंगल डॉट लगेगा। तो ये जो डॉट का रोल है इसके अंदर, ठीक है, तो इसकी वजह से जो 4 डॉट में हमारा जो शेप बन रहा था, जो पफ बन रहा था, सेम सिंगल डॉट में बनेगा। इधर ये चीज़ को समझना है। अभी हम सबसे पहले अपर चेस्ट का डॉट और वेस्ट डॉट, ये दो डॉट को हम समझेंगे कि इसका डायरेक्ट ड्राफ्टिंग कैसे हो सकता है, ठीक है। ये दो डॉट को स्किप करेंगे हम और ये दो डॉट को समझेंगे फ्रेंड्स, ये अपर चेस्ट का और ये वेस्ट का, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ वही समझना है कि ये चीज़ अगर हम इधर अपर चेस्ट का डॉट बंद करते हैं तो ये जो मेजरमेंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दो डॉट की बात नहीं कर रहे, साइड डॉट और सेंटर फ्रंट डॉट, अपर चेस्ट और वेस्ट डॉट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो अपर चेस्ट का 1 इंच का डॉट अगर हमारा बंद होगा तो ये हमारा 2 इंच का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी तरह से भी हम कर सकते हैं या इसको हम डायरेक्ट भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक सेंटर में मार्किंग लगाएंगे, एक मार्किंग सबसे पहले इधर लगाएंगे। सपोज़ ये हमारा अपर चेस्ट है, ठीक है। तो इधर का हमारा जो मेजरमेंट है 6 पे मार्किंग लगाएंगे, और ये जो हमारा मेजरमेंट है ये और ये 7 है, ठीक है। तो ये 7 पे मार्किंग लगाएंगे, 7 का हाफ होता है 3.5, ठीक है। तो ये मेजरमेंट भी हमारा 7 है। तो अभी हम यहाँ पे डॉट नहीं लगा रहे, मगर वो डॉट रहेगा, ये डॉट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्किंग ऐसे लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये हमारा मेजरमेंट है 6 पे मार्किंग करेंगे, इधर भी 6 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा 7। तो अभी ये लाइन इधर मिलेगी, ये लाइन इधर मिल जाएगी। अभी फ्रेंड्स ये हमारा 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। ये 7 है और ये मेजरमेंट 7 है, ठीक है। अभी हमको इधर 6 करना है, तो ये 3 इंच पे एक मार्किंग लगाएंगे, इधर एक 3 इंच पे मार्किंग लगाएंगे, और ये जो हमारा सेंटर है इधर, इसको हम मिला देंगे। तो ये हमारा डॉट, इधर का डॉट इधर शिफ्ट हो गया। इधर जो हमारा 1 इंच का डॉट आने वाला था ये अभी 2 इंच का हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 1 इंच इधर हमारा शिफ्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम डायरेक्ट भी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। तो अभी सेम चीज़ को ब्लाउज पे हम कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, अभी ये समझते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ को आप ब्लाउज के ड्राफ्टिंग में कैसे अप्लाई होता है ये समझेंगे। तो इसके लिए आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वही समझेंगे फ्रेंड्स। शोल्डर स्लोप का आपको मालूम होगा, आर्मोल का आपको मालूम है। ये जो 3 लाइन है हमारी, ये अपर चेस्ट है, ये फुल बस्ट लेंथ है, और ये हमारी ब्लाउज की लेंथ है। तो फ्रेंड्स आगे वीडियो में जो हमने समझे इसके हिसाब से हमको सबसे ज़्यादा वाला मेजरमेंट पहले अप्लाई करना होता है, राइट। तो हमारा ये 3 मेजरमेंट में से सबसे ज़्यादा मेजरमेंट रहता है फुल बस्ट का। तो इधर हमको फुल बस्ट का मेजरमेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे फुल बस्ट मेजरमेंट मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग लगाया, 10 इंच पे। आपको मेजरमेंट पे नहीं जाना है, टेक्निक को समझना है, ठीक है। अभी हम इधर डॉट पॉइंट का मार्किंग लगाएंगे, इसका भी जब टॉपिक होगा उस टाइम पे डॉट पॉइंट के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बड़ा मेजरमेंट इधर अप्लाई कर दिया, स्ट्रेट मार्किंग लगा दिया, ठीक है। अभी वेस्ट है हमारी 32, ठीक है, और ये जो मार्किंग है हमारा बस्ट के हिसाब से 10 इंचेस पे आ रहा है, 10 इंच पे। तो 32 का 1/4 होता है 8, राइट। तो इधर हमारे पास कितना बचा, 2 इंच बचा। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वही हमारा डॉट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 इंच का डॉट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 इंच का डॉट हमको वेस्ट का मिल गया।
अभी हमको ये ऊपर का डार्ट निकालना है। ज़्यादातर मेजरमेंट में 1 इंच का डिफरेंस होता है फुल बस्ट में और अपर चेस्ट में, तो इधर आज सबसे पहले मैं आपको 1 इंच के डिफरेंस वाला डार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। तो 1 इंच का डिफरेंस है मतलब 1 इंच का हाफ होता है हाफ, ठीक है। फ्रंट का ये सिंगल पार्ट है इसलिए हाफ का हाफ होता है हाफ। तो ये हाफ इंच का डार्ट हम आर्मोल में निकालेंगे। इस डार्ट को इधर स्ट्रेट भी निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको निकालेंगे आर्मोल में। तो इधर हाफ इंच पे मार्किंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो डार्ट हमारा, दो मेजरमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये दो डार्ट बचा, इसको हम बाद में समझते हैं। तो इस तरह से अगर हम डार्ट निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना होता है, इधर एक कट लगाना होता है, ये और अब ये डार्ट को कर देंगे बंद, ठीक है। तो ये डार्ट हमारा हाइड हो गया, गायब हो गया, ठीक है। और ये डार्ट हमारा इधर शिफ्ट हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से इतना खुल गया हमारा डार्ट, इधर बढ़ गया, राइट। तो ये डार्ट जो हमारा 2 इंच का था अभी 2.5 इंच का हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक तरीका ये है, इधर हमको क्या करना होता है कि ये जैसे डार्ट हमारा बंद होने के बाद आर्मोल हमारा कम होता है, तो आर्मोल हमको यहाँ से बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये होगा एक तरीका। अभी दूसरा तरीका हम ये समझेंगे कि हमको ये डार्ट नहीं लगाना है, ठीक है, और ये डार्ट को डायरेक्ट इधर शिफ्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए भी हम सबसे पहले इधर फुल बस्ट पे मार्किंग लगाएंगे। फुल बस्ट पे हमारा जो मार्किंग है 10 इंच पे, 10 इंच पे, ठीक है। अभी अपर चेस्ट में कितना डिफरेंस है, 1 इंच का, तो 1 इंच का हाफ करेंगे तो हाफ होगा, तो 10 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 एंड हाफ, ठीक है। जो डाट हमारा इधर निकलने वाला था वो हमने इधर निकाल लिया। अभी इसका मार्किंग कैसे करना है, हमको ये मार्किंग से ये मार्किंग मिला देना है ऐसे, ठीक है। पहले वाले ड्राफ्टिंग में हमारा ये डाट 2 इंच का था, इधर का डाट बनने के बाद 2.5 इंच का हमको इधर डाट मिला। अब कितना होता है, 32 का 1/4 होता है 8, और ये बचा हमारे पास 2 एंड हाफ, ठीक है। जैसे ये डार्ट बंद करने के बाद 2 एंड हाफ आया था, वैसे ये डायरेक्ट डार्ट शिफ्ट करने से ये 2 एंड हाफ हमको मिल गया, तो ये डार्ट हमारा इधर डायरेक्ट शिफ्ट हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आपके समझ में आ गया होगा। तो ये होता है प्रॉपर डार्ट निकालने का तरीका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डार्ट हमारा डायरेक्ट इधर शिफ्ट हो गया। ये दो डार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ये डार्ट अप्रॉक्सीमेटली सब साइज में हाफ इंच का लगता है, जिसको सेंटर फ्रंट डार्ट बोलते हैं, ठीक है। सब साइज में हाफ इंच का लगता है ये। अगर आपका फ्रंट ओपन है तो ही लगेगा, फ्रंट अगर क्लोज है तो आपका ये डार्ट नहीं लगेगा, ठीक है। और बचा भी ये डार्ट चौथे वाला, चौथे वाला ये जो डार्ट है फोर्थ डार्ट, तो चौथे वाला ये जो डार्ट है फ्रेंड्स, इसका भी हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं होता, तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको हाफ या 3/4 इंच का लगा सकते हैं, ठीक है। मगर लगाना ज़रूर है हाफ इंच का या 3/4 इंच का। अगर हैवी ब्रेस्ट है तो इसमें हम 1 इंच का भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चारों डार्ट हमारे इधर ड्राफ्टिंग में निकल गए। तो अगर ये डार्ट हम इधर बंद करेंगे तो फिर इधर का डार्ट हमारा फिर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोग फैब्रिक जब कटिंग करते हैं तो फैब्रिक में ये डार्ट हम नहीं लेते, ठीक है। तो इसके लिए फैब्रिक कटिंग करने से पहले ये डार्ट को हमको बंद करना होता है। तो फैब्रिक कटिंग करने के लिए हमको ये डार्ट बंद करना होगा, तो ये डार्ट हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ्रेंड्स अब हमारे कोर्स में सिर्फ एक चैप्टर बचा है, इसके बाद हम ड्राफ्टिंग के वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। क्योंकि टेलरिंग में दो चीज़ होती है, एक होता है फिगर और एक होता है फैब्रिक, ठीक है। फिगर को तो हमने समझ लिया मगर फैब्रिक को अभी नहीं समझा। तो फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि फैब्रिक हम उल्टा सीधा कहीं से भी नहीं निकाल सकते,
फैब्रिक की प्रॉपर्टीज का एक नमूना दिखाता हूँ मैं आपको। ये सेम फैब्रिक है, इसमें से मैंने एक स्ट्रेट फैब्रिक निकाला हूँ, ठीक है, और एक क्रॉस डायरेक्शन में निकालता हूँ। अभी फ्रेंड्स आपको समझना क्या है, देखो ये फैब्रिक स्ट्रेट है, ठीक है, इसको हम कितना भी खींचेंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। मगर ये फैब्रिक को अगर हम खींचेंगे तो ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, इसमें रिंकल्स भी आएंगे। तो ये जब फैब्रिक का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है फ्रेंड्स। तो इससे हमको ये समझना होता है कि ब्लाउज़ को हम आड़ा टेढ़ा कहीं भी फैब्रिक पे रख के कटिंग करके नहीं निकाल सकते, उसका एक डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शन पे ही हमको कटिंग करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ पर। इसको फ्रेंड्स अगर आप समझ लोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि फैब्रिक आपको खुद बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना।